हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो अभी जैसे सभी के यहाँ पे गणपति बैठने वाले हैं, तो उसी तरीके से मैं भी अपने घर में बिठाने वाली हूँ। तो लास्ट ईयर जो है मैंने पूरा सेटअप होने के बाद का ब्लॉग दिखाया था, बट इस साल मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो आज मेरे साथ है मेरी मम्मी एंड मेरे पापा जो हमें हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी पूरा साफ सफाई, इसीलिए हम सब इस तरीके के लुक में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस टाइप के पाइप्स लिए हैं जो कि है पीवीसी के पाइप्स, और हमने अलग अलग साइज़ के लिए है। चार ऐसे छोटे वाले 8 लिए हैं, 4 नीचे की तरफ लगाने और 4 ऊपर की तरफ। और इस तरीके से बड़े जो होते हैं जो हम वर्टिकल स्टैंड करेंगे वो हमने 4 लिए हैं। पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस टाइप के एल्बोज जो होते हैं वो यूज़ करेंगे, ताकि तीनों ये जो होल्स होते हैं उसमें हम पाइप इंसर्ट करके एक क्यूबिकल खड़ा कर सकें। तो मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा दूँगी। देख सकते हो वो एल्बोस को यूज़ करके हमने पूरा ये स्टैंड कर दिया है। इस तरीके से ये स्टैंड हो चुका है। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये नॉर्मल पीवीसी के जो पाइप्स आते हैं वो है, और इसके ऊपर हमने गोल्ड स्प्रे किया था। अभी हम इसको डेकोरेट करने के लिए इस टाइप के जो कर्टन्स आते हैं वो यूज़ करने वाले हैं। कुछ कलरफुल है और कुछ वाइट है, तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। कर्टन्स लग चुके हैं, और यहाँ पर हमने इस टाइप की जो माला आती है वो हमने यहाँ पे नॉट बांध दी है, तो ये पाइप यहाँ से कवर हो जाए। अब हम इस टाइप के जो लाइट्स आते हैं वो लगा रहे हैं, और अनिकेत भी आ गया है हमारी हेल्प करने। इस टाइप के जो स्ट्रिंग्स आते हैं वो लगा रहे हैं। अभी इस टाइप के, अभी हम बेसिकली पुणे से है तो हमने ये सारा सामान पुणे मार्केट से लिया था। आपके कोई भी एरिया में जहाँ आप रहते हो कि वहाँ पे जो भी ऐसे टाइप के मार्केट्स होते हैं वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो वैसे ही मैंने लिए थे और मैं इसे रीयूज़ करती रहती हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइटिंग वाले जो थे वो हमने लगाए हैं, और इनके बीच बीच में हमने ये जो मोती जैसे दिखाया था मैंने वो लगाए हैं, ताकि ये जब लाइटिंग यहाँ पे आ जाए तो ये पूरा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे पीछे भी दोनों तरफ एक एक वो लगाया है, और बीच में वो जो दूसरे थे वो वाले लगाए हैं। सेम इस टाइप भी वही किया है। यहाँ पे हमने ये कर्टन्स के ऊपर वो थ्रेड बांध के रिंग्स यूज़ की है, सभी के लिए वही किया है। अब हम इस टाइप की जो लाइटिंग्स आती है वो लगाने वाले हैं, और इस बार हमने वो कर्टन लाइटिंग्स लिए, यानी कि वो एक पूरा स्ट्रिंग और उसके यहाँ पर नीचे नीचे अलग अलग लाइट्स होते हैं वो लिए हैं, तो वही हम अभी यहाँ पर एडजस्ट करें। पूरा लाइटिंग
साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग्स नीचे आती है जैसे नॉर्मल कर्टन होता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और इसमें जो मोड्स आते हैं वो भी हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से। इस टाइप के फ्लावर्स मैंने लिए हैं, तो ये इसके नीचे यहाँ पे तार है और ये प्लास्टिक में अभी रखे हुए हैं एंड ये सिंगल सिंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी ये यूज़ करके हम यहाँ पे आगे की तरफ जो डेकोरेशन करते हैं वो करने वाले हैं। इस टाइप के जो तार है इसको यहाँ पे इस तरीके से बेंड करके लगाया है ताकि हम इजीली इसको उसमें फिक्स कर सकें। करने के लिए इस टाइप का जो एक पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो हम यहाँ से पूरा कवर कर देंगे। पाइप सेक्शन जो ब्लैंक दिख रहा था उसको कवर करने के लिए हमने इस तरीके से कारपेट डाल दिया है ताकि वो एक थोड़ा फिनिश्ड लुक आए और इसके ऊपर हम अभी टेबल रखेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा लुक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने एडिशनल राधा कृष्ण रखे हैं। ये पूरा बेसिक सेटअप तो है, जो लास्ट ईयर था वही सेम है, बस यहाँ पर मैंने ये जो क्लॉथ है वो डाल के रखा हुआ है, इसे पिनअप कर दूंगी एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग करनी है और फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से पूरा ये दिखता है। ओके, सो ये सेटअप कंप्लीट हो गया है जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये जो पाइप्स है वो सारी चीज़ें मैं रीयूज़ करती हूँ। ये पूरे जो पाइप्स है वो डिसमेंटल हो जाते हैं जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में दिखाया था और उसी तरीके से मैं हर साल इसको पैक करके रख देती हूँ एंड वापस से यूज़ करती हूँ। एंड इवन ये जो फ्लावर्स है वो फैब्रिक के मटीरियल के है, तो ये भी वॉशेबल है एंड हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरे ये जो फ्लावर्स है वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस गणपति में यूज़ करके वापस से पैक करके रख देती हूँ, तो उस वजह से ये अभी तक उतने गंदे हुए नहीं हैं। अभी भी उनकी कलर जो है वो बिल्कुल फ्रेश सी है। इस बार मैंने ये जो लाइटिंग्स पीछे हमने यूज़ किए, जो कर्टन लाइटिंग्स मैंने दिखाए थे, वो मैंने इस बार न्यू लिए हैं क्योंकि मार्केट में मुझे वो नए दिखे एंड ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। मैंने ये लाइटिंग्स वगैरह जो है वो मैंने पिंपरी से ख़रीदा है। अगर आप लोग पुणे एरिया के हो, पिंपरी चिंचवड़ के हो, तो आप लोगों को ईजी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपको आइडिया चाहिए तो। एंड ये जो बाकी का सारा सामान है वो मैंने पुणे मेन मार्केट से लिया हुआ है, तो वहाँ पे कैसे है कि आपको होलसेल रेट में सारी चीज़ें मिलती हैं एंड जब भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में देखने मिलती है, प्लस होलसेल रेट में भी मिलती है, तो आपको वो एकदम ईजीली मिल जाएंगे। एंड इसी तरीके से मैंने पूरा डेकोरेट किया है सबकी हेल्प ले करके। अब जो वेट है बस वो है बापा का। ऐसा लग रहा है कब बापा आएंगे एंड इस डेकोरेशन को और चार चांद लग जाएंगे जब बापा खुद यहाँ पे बैठते हैं तभी। ये डेकोरेशन अभी बस डेकोरेशन लग रहा है, बट जब वो आते हैं तो ये पूरा इसका लुक ही बदल जाता है। स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना
एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं रील्स डालती रहती हूँ तो आप वो देख सकते हो। एंड मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ। गणपति बप्पा मोरिया।